तो मैं यहाँ पर आया था रामराज मंदिर, वहाँ पर ये सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 3 सब्सक्राइबर हैं ये। आप अपना नाम बताइए। आदि का। हाँ, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? महोबा। महोबा से ये। और आप? हर से कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं आप? और ये? यस, कलमरा से। ये अच्छा है, अच्छा लगा मिलके, तो नाइस मीटिंग टू यू। चलते हैं क्या? तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। ये चतुर्भुज मंदिर है जो कि आगे की ओर है, तो चतुर्भुज मंदिर मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर से। चलते हैं। ये है चतुर्भुज मंदिर जो कि मेरे पीछे है और जिसके बारे में पंडित जी ने बताया था कि यहाँ के इतिहास के बारे में। तो मैं चलता हूँ और ऊपर दिखाता हूँ आपको, काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। यहाँ से काफ़ी ऊंचाई पर है, समथिंग नहीं है तो 7 से 8 फंट पर है। यहाँ से चलते हैं ऊपर की ओर और ये ऊपर का नज़ारा देखने लायक है। ये बुलंद दरवाज़ा की तरह लग रहा है, कितना बड़ा दरवाज़ा है। तो इंट्रेंस गेट है, ये MP में आता है, MP इसमें लिखा है मध्य प्रदेश टूरिज्म। तो ये देखो प्लेट लगी हुई है, ये प्लेट लगी है। ऑडियो यहाँ ऑडिबल गाइड है, यानी कि लोग माइक वगैरह लगा रहते हैं यहाँ पर कि ऑडिबल गाइड है। हाँ, जैसी तरह दादी जी, जैसी तरह। चलते हैं आगे की ओर, ये भाई ब्लॉगिंग कर रहा है। बाकी मैं अंदर चलता हूँ तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देखिए कितनी ऊंचाई पर है हम, और समथिंग नहीं है यहाँ से तो काफ़ी ऊंचा होगा। और भी ऊंचाई पर जाने की कोशिश करते हैं और अंदर दिखाते हैं आपको। यहाँ से देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है अंदर का, तो और ही फील अच्छा आ रहा है। ये मैं चलता हूँ दिखा देता हूँ कितनी ऊँचाई पर। ये मतलब ताजमहल से भी ऊंचा है, ये ताजमहल की ऊंचाई से भी ऊंचा है अगर देखा जाए इसको। ये चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पहले हम जूते उतारेंगे फिर उसके बाद मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे। ऊपर जाके सिर्फ लगता है अपना लखनऊ का इमामबाड़ा, देखो उसे ही बोझ का बालकनी है वो भाई। बालकनी जब भी कोई निर्मल आती थी उनकी दासी वहाँ बैठ के फूल के लिए फूल देखते। हाँ, ऐसा लगता है ऐसा बालकनी है ऐसा उसका लकड़ी का है, आगे वो है पत्थर की है वो बालकनी। अब यहाँ से गेट खोलना है, गेट खोल सीक्रेट डोर। सीक्रेट डोर है ये? सीक्रेट डोर है, लॉक लगा रहता है क्या यहाँ पर? हाँ, इसका टिकट लगता है। अब वो भूल भुलैया जी रानी की यहाँ का टिकट कितना है? टिकट इसका लगता है 50 रुपए टिकट। 50 रुपए पर पर्सन ट्रिप? हाँ, पर पर्सन। तो चलिए, इसका महंगा है टूरिस्ट का, यहाँ जो मतलब फॉरनर का है तो 700 रहता है। तो चलिए मैं ऊपर की ओर चलता हूँ। इसमें सीढ़ियाँ जो है सीढ़ी खड़ी हुई हैं, अगर आप आए तो कभी संभाल कर जरूर चढ़े। यहाँ से कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। ये भूल भुलैया देखिए, ये रास्ता गया सीधा टर्न हुआ और मैं फिर भाई इतना पतला है कि जाना मुश्किल है। ओ माय गॉड, ओ मेरी माता, बहुत ये बहुत पतला है। मैं और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ माय गॉड, मैं तो फंस गया, मैं बैग लिया था मैं तो फंस गया। ओ माय गॉड, मैं समझ काफ़ी ऊंचाई पर आ चुका हूँ, ये देखने में काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। मोस्टली मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस था जो सामने का, और ये इसके जस्ट नीचे मंदिर है। मैं कोशिश करता हूँ तो मैं मंदिर को दिखा सकता हूँ, पर मंदिर नहीं दिखा सकूँगा, मैं यहाँ से गिर जाऊँगा और मोबाइल गिरने के भी चांस है। तो मैं और क्या को चलता हूँ, ये 2 सीढ़ियाँ चढ़ के और थोड़ी ऊंचाई पर आ गया भाई। मैं फ़ोन के लिए परेशान हो रहा था मुझे। अब यहाँ से तुम कहाँ गए? हेलो, कहाँ हो? ऊपर ऊपर ऊपर। और ऊपर चलता हूँ, वहीं से जा रहे हैं, वहाँ बताया पत्थर रखा था तो वहीं से टर्न हुआ था। तो मैं चलता हूँ और ऊपर, ये लोग तो निकल लिए पर यहाँ पे रास्ता है भी या नहीं? चलो मैंने फ्लैश जला लिया है तो चलते हैं और ऊपर। यहाँ पत्थर रखा है निशान के लिए है कि ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से रास्ता है। हमें दिखाई नहीं कि ऊपर भी जा सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो चलो चलो चलते हैं। ये बिल्कुल सीधी सीढ़ियाँ हैं, अगर गिरते हैं आप तो मुँह तो टूटना पक्का है, मुँह टूटना है और भी कुछ टूट रहा है वो आप समझ आ रहे हैं। ओ मेरी माता, जाने में भी डर लग रहा है। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, यहाँ से कुछ दिख रहा है? अब कोई पकड़ ले तो मैं खदान में गिरूँ जाके। पर यहाँ से देखने में कुछ अमेजिंग लग रहा। चलो मैं पहली बार आ गया। ये रामा टेंपल जो कि मैंने जैसे दिखाया था आपको, और ये रहा पुल रामा टेंपल, ये भी काफ़ी अच्छा और अमेजिंग है। ये क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ, ये मुझे मालूम तो नहीं है क्या चीज़ है, पर जो भी है बस अमेजिंग लग रहा है देखने में, तो मैंने आपको जूम करके दिखा दिया। इसका मालूम नहीं, पर ये भी देखने में कुछ कम नहीं लग रहा है, ये और भी अमेजिंग लग रहा है देखने में। तो मैं यहाँ से और ऊपर चलता हूँ। ओ ये जितना ऊपर जा रहे हो उतना अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है मुझको। ओ और इतना ऊपर आना आपके लिए रिस्की हो सकता है, तो मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा। ओ माय गॉड, सो इंटरेस्टिंग।
अरे नहीं नहीं अब नहीं आए। ये देखने में इंटरेस्टिंग था, तो यहाँ गाइडर मना कर रहे थे कि यहाँ ऊपर जाना अलाउ नहीं है, पर फिर भी देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, मैं सबसे ऊँची में जो सबसे ऊँची यानी कि मंजिल मैं वहाँ पर हूँ, कितना ऊँचाई है वो आप देख सकते हैं। मैं नीचे दिखाऊँगा आपको, तो ये कितना नीचा है यहाँ से देख सकते हैं आप। सेफ नहीं है, और यहाँ बताते हैं कि सेफ नहीं है, तो मैं इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला, खासा नाइट हो रहा है, तो ये फोनर वगैरह है, तो यहाँ पर गाइडर जो है गाइडर ने मना कर रखा है कि यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। तो मैं फाइनली नीचे चलता हूँ, वो नीचे भी जाने के लिए ये रास्ता है, तो फाइनली मैं नीचे चलता हूँ। तो यहाँ पर बताया था कि मैं भूल भुलैया में आया हूँ, सबसे ऊँचाई पर हूँ। मैं दिखा सकता हूँ आपको कि यहाँ पर कितनी ऊँचाई पर हूँ, और मैंने इसे ही पहले दिखाया है। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूँ, मेरे साथ अंकित और भाई, आपका नाम भाई? मेरे साथ अंकित। अंकित आदित्य। आदित्य, तो फाइनली मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें और सपोर्ट करते रहें हमारे चैनल को, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, तो धन्यवाद। मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट ब्लॉग में, तो दिखाते हैं हम आपको। मैंने इससे पहले आपको झांसी फोर्ट का यानी कि झांसी की रानी का जो किला था, मैंने उसे एक्सप्लोर किया है, तो उसे भी अच्छा खासा प्यार दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।